किसने मारा है? सर आ गया। इनको किसने मारा है? किसने मारा है? आपकी बात एक मिनट रोका मैंने आपको, अकेला मैंने दिया था आपको, अकेला धक्का मतलब अकेला मैंने कोई धक्का नहीं दिया। How could you dare जो है तो push him? सर ये I have no put नहीं सर क्या होता है private candidate सर जो fail हो चुके होते हैं रेवेन्यू। अच्छा वो अच्छा वो private candidate admission से ये अपन होगी सर, जब admission form examination form से भरेंगे तो फिर इसका answer admission अपन होगी। क्या है सर जब वो फॉर्म ही फिल हो जाएंगे तो हमारी एडमिशन सीधे ही बंद हो जाएगी, जब फिर उसके बाद एडमिशन ओपन करने का कोई फायदा नहीं है। मतलब आप अच्छा ये रह क्यों गए तुम्हारे? अच्छा तो मतलब अच्छा ये आप लोग का फेल हो गए हाँ, उसको प्राइवेट कहते हैं। छोड़ो हम टाइम जहाँ पे आ रहे हैं सर, हम डीन मैम से मिले, डीन मैम ने बोला अब तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। सर हम जब दोबारा आते हैं वो बोलते हैं हम तो जानते ही नहीं। हर बार ये होता है कि जो बच्चे फेल हो गए हैं उनके लिए फिर स्पेशल प्रोविजन बनाया जाता है, ये कर रहे हो वही आप स्पेशल प्रोविजन बनाने की बात कर रहे हो कि आपके लिए कोई नियम में परिवर्तन किया जाए, नियम में ढील दिया जाए। ठीक बात है सर, जो फर्स्ट प्राइवेट रिजल्ट है। अरे मतलब क्यों नहीं कर्म ऐसा करते हो कि ये नौबत ही ना आए? सर जो फर्स्ट रिजल्ट आया था स्पेनिंग पिक का उसने 50% में नहीं फॉल कर रहे बच्चे मैम कहां जाएंगे? सर मेरी ये बताना कि मैडम ने पहले 50% किया है, हम लोग 50 में भी नहीं आ रहे हैं, हम 50 से भी नीचे जाते हैं। सच्चाई यही है ना तुम लोगों की? ऑलरेडी डा मैडम ने क्रेडिट 50% कर दिए, आप लोग उसमें नहीं आ रहे हो, आप चाहते हो 50 से भी नीचे हो जाए ताकि हम लोग भी आ जाए। आप 8 क्रेडिट मांगते हो, कल को 5 वाला भी आ जाएगा। मैम हम तो प्रैक्टिकल मांग रहे हैं ना, प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल की क्रेडिट। अच्छा मैं क्रेडिट का पहले आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल 15 घंटा बराबर 1 क्रेडिट हुआ, ठीक है? तो 15 घंटा आपने प्रैक्टिकल किया उसकी 1 क्रेडिट बनती है जी सर। ठीक जी, अब क्रेडिट ये देने का काम तो कॉलेज का है जहाँ पर आप पढ़ते हो। सर हम वही बोल रहे हैं कि वही काउंट करवाएं, यूनिवर्सिटी से अभी हमें जो नोटिस नहीं आया, जो हमें यूनिवर्सिटी से नोटिस आएगा तो हम ये दे देंगे, ये दे देंगे सर। सर एक्चुअली मैंने पहले फॉर्म भरा हुआ था, मेरा एक सर था डुगरी वाला, उन्होंने मेरा फॉर्म खुद भरा। क्या नोटिस आएगा सर अगर यूनिवर्सिटी वाले उनको नोटिस भेजेंगे कि आप प्रैक्टिकल थ्योरी की क्रेडिट कर वो करो ज्वाइन कर लो इनमें तो हमें एडमिशन मिल जाएगी सर, 2500 बच्चों को एडमिशन मिल जाएगी। वैसे प्रैक्टिकल और थ्योरी की क्रेडिट काउंट करवाएंगे ना अगर आप नोटिस निकाल के कॉलेज वालों के लिए काउंट करो। इनका जो ये 3+1 है, 3 है थ्योरी, 1 है वन प्रैक्टिकल इंक्लूसिव है। हाँ ये चाहते हैं कि वो जो प्रैक्टिकल मैं फेल हो गए हैं पेपर में, लेकिन वो जो प्रैक्टिकल वाला 1 है वो हमें दे दो। ये वो कहना चाह रहे थर्ड में उसका दिया गया था। नहीं नहीं एक मिनट, मैं आज तक जो पढ़ा हूँ मतलब जो पढ़ा जी सर, एक पेपर हुआ कोर्स हुआ, उस कोर्स का एक नंबर होता है, उसमें उस कोर्स नंबर में थ्योरी और प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी मिला करके 1 हुआ, प्रैक्टिकल अलग हो गया। आई एम सपोज टू क्लियर दी प्रैक्टिकल, कोई बात नहीं छोड़ दो, कोई बात नहीं, आई एम सपोज टू क्लियर द प्रैक्टिकल एज वेल एज द थ्योरी सेपरेटली, राइट? तब मैं पास माना जाऊंगा, राइट? अगर मैं थ्योरी में फेल हो गया तब भी फेल हो जाऊंगा, प्रैक्टिकल में फेल हो गया तब भी फेल हो जाऊंगा, यही नियम है। अब तुम क्या चाहते हो ये बताओ, क्रेडिट वाली बात का नियम था जब फर्स्ट रिजल्ट आया था तो उनको थर्ड में क्यों देंगे जब उनके 8 या 9 क्रेडिट थे? प्रमोशन होता है, हमें वही चाहिए। ये आप जितना नारेबाजी करना है दैट्स योर राइट, मैं एक बार नहीं कहूंगा कि आप नारेबाजी मत करो, लेकिन किसी स्टाफ के साथ आप जो है धक्का दो हाथ ने अभी बोला आपको मारने की, इसने मेरे को हाथ उठाया मारने के लिए, अभी उन्होंने ये मुद्दा बनाया, हमने इनको धक्का दिया, इस गेट को धक्का दे के अंदर निकले मैम, उस दिन अंदर नहीं जा सकते मैम, इस ये अकेले थे मैम, ठीक है अंदर नहीं जाने देती मैम, ये अकेले थे यहाँ पे, अब आप बुला दो। अच्छा अब अपनी प्रॉब्लम बता दो, इशू सर यही है कि हमें प्रैक्टिकल थ्योरी की क्रेडिट चाहिए, प्रैक्टिकल की प्रैक्टिकल थ्योरी की क्रेडिट चाहिए जिससे हम अपनी ग्रेजुएशन करें। प्रैक्टिकल थ्योरी की क्रेडिट चाहिए का क्या मतलब होता है समझते हो ना जी सर? क्या मतलब होता है सर? जो एकेडमिक प्रैक्टिकल का इतना क्रेडिट है, थ्योरी का इतना क्रेडिट है, उसका अपना प्रैक्टिकल का अपना एग्जाम होता है, थ्योरी का अपना एग्जाम होता है, अब आपको क्या चाहिए सर? हमें उन्हीं की क्रेडिट चाहिए जिससे हमारे जो क्रेडिट्स बने। क्रेडिट का डेफिनेशन क्या होता है सर? क्रेडिट का डेफिनेशन ये हो गया सर, जो आपने क्रेडिट किसको कहते हैं बताओ सर? क्रेडिट हो गई जैसे हमारे जो क्रेडिट आपने, क्रेडिट किसको कहते हैं सर? जो स्कोर जिसे हम वो कर सके अपने मतलब आगे, क्रेडिट किसको कहते हैं सर? नहीं पता
तो जब जब क्रेडिट आप डिमांड कर रहे हो वो चीज़ तो हमें कैसे पाओगी सर? नहीं, आप क्रेडिट जो है किसको कहते हैं? यही आप कह रहे हो क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट किसको कहते हैं ये बता दो ना पहले। क्रेडिट सर जो आपने सिस्टम बनाया है उसी में क्रेडिट सिस्टम है, जो है वो आप ही को पता, चॉइस बेस्ड सिस्टम सर। भाई आपकी डिमांड चॉइस बेस्ड सिस्टम। अरे पहले आपकी डिमांड है ना क्रेडिट चाहिए। यस सर, हम मैं पूछ रहा हूँ क्रेडिट किसको कहते हैं ये बताओ तो। सर प्रैक्टिकल का जो प्रैक्टिकल थ्योरी का जो 3+1 स्कोर है ना, क्रेडिट का पहले डिफिनेशन समझ लो। जी सर, 15 आवर का जो टीचिंग या प्रैक्टिकल होता है उसका मिला करके एक क्रेडिट होता है, ऐसे क्रेडिट कैलकुलेट होता है, राइट? अब क्रेडिट चाहिए का हम समझ नहीं पा रहे, क्रेडिट चाहिए क्या कह रहे हो? सर हमें सिंपली जो है, जो हमारे जिन बच्चों के 9 क्रेडिट्स है ना, उनको एक एक क्रेडिट चाहिए आगे की एप्लीकेशन एडमिशन लेने के लिए। तो क्रेडिट हम दें, क्रेडिट ये देने का काम तो कॉलेज का है जहाँ पर आप पढ़ते हो। सर हम वही बोल रहे हैं, वही काम करवाए ये दे देंगे सर। क्या नोटिस आएगा सर? अगर यूनिवर्सिटी वाले उनको नोटिस देंगे कि आप क्रेडिट कंसीडर करो, ज्वाइन कर लो इनमें, तो हमें एडमिशन मिल जाएगी सर, 2500 बच्चे को एडमिशन मिल जाएगी। वैसे ये चाहते हैं कि वो मैं फेल हो गए हैं पेपर में, लेकिन प्रैक्टिकल वाला एक है वो हमें ये वो कहना चाह रहे हैं। मैं आज तक जो पढ़ा हूँ, मतलब जो पढ़ा, एक पेपर हुआ, कोर्स हुआ, उस कोर्स का एक नंबर होता है, उस कोर्स नंबर में थ्योरी और प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट इंक्लूसिव असेसमेंट और थ्योरी इंक्लूसिव करके एक हुआ, प्रैक्टिकल अलग हो गया। आई एम सपोज थोड़ा थोड़ा एरिया बना लो, थोड़ा एरिया बना लो, कोई बात नहीं। I am supposed to clear the practical as well as the theory separately, right? तब मैं पास माना जाऊंगा, right? अगर मैं थ्योरी में फेल हो गया तब भी फेल हो जाऊंगा, प्रैक्टिकल में फेल हो गया तब भी फेल हो जाऊंगा, यही नियम है। अब तुम क्या चाहते हो ये होता नियम था जो फर्स्ट रिजल्ट आया था, तो उनको थर्ड को दीजिए जो मुझे 8-10 होता है, वही वही चाहिए, बिना पढ़े हुए बिना पास किए हुए प्रैक्टिकल में। जब आता हम 2 मिनट यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमको एक चीज जो है, I am not here to explain jo hai more than this. I am saying that the whole thing has been referred to the principal. That principal is asked to send the recommendation case to case basis. Sir, उस चीज को मैं आज या कल इधर 3-4 दिन में 2 दिन में 3 दिन में गया लेटर जो है सर, उस चीज में लगभग 2 हफ्ते तो लग ही जाएंगे सर। 2 हफ्ते लग जाएंगे, जो आप यहाँ खड़े हो जाकर के वहाँ खड़े हो ना कि अभी 1 घंटा में हमको दो रिकमेंडेशन। सर फिर डीन मैम ने बोला था कि आप नोटिस, आप जाओ ना उनसे कहो कि 1 घंटा में दे। डीन मैम ने हमें बोला था कि आप अपने कॉलेज से नोटिफिकेशन को डाटा सेंड करो, कितने बच्चे रहते हैं। हमने उनको डाटा सेंड करवाया, सर ने इनको यूनिवर्सिटी को रेफर भी किया सारा डाटा कि कितने बच्चे कितने रहते हैं। जो सर आपने कल नोटिफिकेशन डाला है ना, उसी बेस पे सर ने भी उनको पहले ही डाटा भेज दिया था, बट मैम ने कोई एक्शन नहीं लिया। सर ने उनको मेल भी की थी कि इनको सेपरेटली सर पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ था कि इनको सेपरेटली प्रैक्टिकल दिए जाए। और उस डिसीजन से वाइस चांसलर, पहले बताया है ना डाने, मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ, एज वाइस चांसलर आई डू नॉट एग्री विद द डिसीजन दैट थ्योरी में फेल हो गया तब भी पास, प्रैक्टिकल में फेल हो गया तब भी पास, दोनों को दो कोर्स के आपका डिमांड था कि प्रैक्टिकल को अलग और थ्योरी को अलग दो कोर्स मान लिया जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। वो नहीं हो सकता, ऐसा संभव ही नहीं है, हुआ ही नहीं है, कोर्स नंबर नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। आप चले जाओ कोर्स, यू कैन मूव टू द कोर्ट। सर अगर आप ये चीज नहीं मान रहे तो जब जो सर यू कैन मूव टू द कोर्ट दैट वी आर वायलेटिंग जो है द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, एक्ट एंड स्टैट्यूट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। आप जो है अपनी केस टू केस बेसिस भेजोगे तभी होगा कुछ, दैट हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द डायरेक्टर। आप प्रॉमिस करते हो कि अगर हम बचेंगे तो हो जाएगा, आप वादा करते हो सर? पहले भेजो, हम भिजवा देंगे। क्या हम सारे कॉलेज से हैं, कुछ भी वादा नहीं करते,
वादा कैसे करेंगे? ठीक है, आप चीज है, आप धरना प्रदर्शन जो कर सकते हो आप करते रहो, वो आपका डेमोक्रेटिक राइट है। मैं कभी भी आपको आपके डेमोक्रेटिक राइट से नहीं रोकूंगा, लेकिन फिजिकल वायलेंस जो होगा दैट वुड नॉट बी टॉलरेटेड। तो आप कह रहा हूं कि चले जाओ, आपके यहाँ से यूनिवर्सिटी का लेटर गया है, यू वांट दैट वाइस चांसलर जो है यहाँ बोलेगा कि मैं ये वादा करता हूँ जी, ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं चलती यूनिवर्सिटी। लाओ आपको जाना है केस टू केस बेसिस, लेटर जा चुका है, लेटर यूनिवर्सिटी से गया है ना, कि केस टू केस बेसिस रिकमेंडेशन भेजिए। वो समझ में नहीं आ रहा है आपको? सर आ रहा है समझ, वो भी समझ में आ रहा है, तो वो भेजवाओ ना सर। हमारे उसको अपनी बात कहने का, आप रुक जाओ, नवंबर में सर पेपर है, जब तक सर ये चीज होगा क्या सर, उसके बाद क्या हमें छोटी मिलती है? कर्म के होते तो ये नौबत नहीं आती, नवंबर में पेपर है, आप चाहते हो सबको पास घोषित कर दिया जाए, फिर अगले साल जाओगे फिर कहोगे सबको पास। एक मिनट सुनो पहले, मतलब ये हालत आप कर दिए हो कि आप छठे सेमेस्टर में जाओगे, कहोगे जो आप पांचों फेल हो गए तब भी हमको छठे सेमेस्टर में जाने दिया जाए, जब हम एडमिशन छठे सेमेस्टर के बाद आएंगे पीजी में एडमिशन करने के लिए, कहोगे हमारा रिजल्ट नहीं आया इसलिए एडमिशन प्रोसीजर रोक दिया जाए,